जय मसीह की दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है लूका की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसका पहला वचन। वचन कहता है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके निकट आ रहे थे कि उसकी सुने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा पुत्र यीशु अद्भुत है, उसके वचन अद्भुत है। दोस्तों, क्या था यीशु मसीह में, क्या था यीशु मसीह की वाणी में, क्या एक चुंबकीय शक्ति थी जब उन्होंने पतरस से कहा, अनिद्रास से कहा। उनके सामने हजारों मछलियां पड़ी थी, उनके सामने संसार था, पिता था, पुत्र था, माँ थी, बेटा था, काम था, व्यवसाय था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने के योग्य बनाऊंगा, उसने सब कुछ त्याग दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जब्ती के दोनों पुत्र यूहन्ना और याकूब अपने पिता के साथ काम कर रहे थे, व्यवसाय था उनका, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो, उसके पीछे हो लिए। लेवी, मती, चुंगी लेने वाला काम कर रहा था, कईयों की भीड़ लगी थी, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो, वो उसके पीछे हो लिया। शाउल, पौलुस, जिसको परमेश्वर ने चुना, यीशु मसीह ने चुना और उससे कहा कि मेरे पीछे हो, उसने सब कुछ त्याग दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्या था उसकी वाणी में, उन्होंने क्या देखा, इन सब ने यीशु मसीह में क्या देखा? एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा वचन उनके मुंह से निकला कि मेरे पीछे हो, और वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। क्या था उसके बीच में, क्या था उनके पास, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा वो सच्चाई, उन्होंने देखा वो अधिकार, उन्होंने देखा वो मुक्ति, उन्होंने देखा वो उद्धार, उन्होंने देखा वो ज्योति, उन्होंने देखा वो जीवन जो यीशु मसीह के अंदर था। उन्होंने उस पिता को देखा, उस प्यार को देखा, उस सच्ची सच्ची महिमा को देखा। हालेलुया दोस्तों, इसीलिए वो यीशु मसीह के पीछे चलते रहे और मुड़कर पीछे नहीं आए, मुड़े नहीं वो। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह को पूरी तरीके से पहचाने, हम भी पूरी तरीके से यीशु मसीह में अपनी उसकी ज्योति को देखें, हम भी यीशु मसीह में पूरी मुक्ति को देखें, उस उद्धार को देखें, उस आज़ादी को देखें, हम भी यीशु मसीह में सच्चाई को देखें, जीवन को देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हमें यीशु मसीह में दिखेंगी तो संसार हमें दोबारा नहीं खींच पाएगा। ये संसार हमें खींचने की कोशिश करता है। मेरे भाई, मैं कई भाइयों को देखता हूँ, कई बहनों को देखता हूँ जो उत्साह के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं, उत्साह के साथ प्रभु के चरणों में बैठते हैं, माथा टेकते हैं, घुटने टेकते हैं, लेकिन संसार उन्हें बीच में से खींचता है और वो खींचे चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की ज्योति पूर्णता नहीं है, पूर्णता परमेश्वर की ज्योति को उन्होंने आका नहीं, जांचा नहीं, अपने जीवन में लिया नहीं। यीशु मसीह की ज्योति पूरी तरीके से, इसलिए यीशु मसीह की मौत को समझना बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह के जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह के आने को समझना बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह के धरती पर रहने को समझना बहुत ज़रूरी है, और यीशु मसीह के मर के जिंदा होने को समझना बहुत ज़रूरी है। शरीर के द्वारा उठाए गए यीशु मसीह, उनका एक एक शब्द सिद्ध है, वो सिद्ध पुरुष थे और सिद्ध परमेश्वर की ज्योति थे और सिद्ध परमेश्वर के रूप में उस धरती पर आए, और उन्होंने कहा कि जैसे मैं सिद्ध हूं वैसे तू भी सिद्ध बन जा। दोस्तों, हम अपनी सिद्धता, परमेश्वर की सिद्धता कैसे प्राप्त करेंगे जब तक हम उसकी ज्योति को समझेंगे नहीं। मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, अंतिम समय है कि हम पूरी तरह से उसको समझें, जानें। हमारी छोटी छोटी चीज़ें, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं, हमारी छोटी छोटी मोह, हमारे छोटे छोटे लोभ हमको पीछे ना खींच लें। यस, डर है, इसीलिए यीशु मसीह कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, ये परमेश्वर का वादा है। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि तू संसार तुझे पीछे खींचेगा और तू पीछे जाएगा, लेकिन वो कहता है मैं हूँ तेरे साथ हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, पीछे मत जा। इसलिए यीशु मसीह को पहचानना,
हम चर्च जाते हैं उसको पहचाने, हम चर्च क्यों जाते हैं, हमारा नजरिया क्या है, हमारे वचनों को समझने का देखने का नजरिया क्या है, बीच में जो संसार की दीवार है, बीच में जो आपके मोह की दीवार है, जो रिश्तों की दीवार है, जो जो मोह माया है, उसको हमें निकाल कर प्रभु के वचन को समझना होगा, उसको जानना होगा, उसकी योजना को जानना होगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या मिला है। हमें बहु बहुमूल्य कीमती उपहार परमेश्वर ने दिया है उसकी आत्मा के रूप में, हमें जीवित किया है, हमें धर्मी बनाया है। इसलिए संसार में जो चीज़ नहीं दिख रही है, जो अमूल्य है, जो कीमती है, वो परमेश्वर ने हमको दी है। इसलिए वो चीज़ पतरस ने देख ली थी, यूहन्ना ने देख ली थी, पौलुस ने देखी थी, और इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने मार खाई, कोड़े खाए, जेल गए, सताव सहे, लेकिन उसमें भी आनंद की भरपूरी उनके जीवन में थी। और उन्होंने यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा, कभी दोष नहीं लगाया, कभी उन्होंने कोई ऐसा मन में विचार नहीं लाया कि मैं कि यीशु मसीह क्यों मुझे लेके जा रहे हैं, मैं क्या पाऊँगा। उन्होंने पा लिया था, हमें यीशु मसीह ने दे दिया है, स्वर्गीय स्थान हमें दे दिया है, हमें आत्मा में जिंदा कर दिया है, हमें धर्मी बना दिया है, हमें यीशु मसीह के सारे अधिकार दे दिए हैं, अभी दे दिया है। हालेलुया, हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसको जब तक पूरी तरीके से नहीं समझेंगे, संसार हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और शैतान हमें पूरी तरीके से वर्गलाने की और पीछे खींचने की कोशिश करेगा। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं। आज का दिन पवित्र है, ये वचन पवित्र है, परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम का शक्ति पवित्र है। परमेश्वर धन्यवाद देते सुनने वाले हर भाई बहन के लिए, आशीष मांगते ताकि वो समझें यीशु मसीह को पूरी तरीके से और संसार उनको खींच ना सके। परमेश्वर ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना अपने सुनी कबूल की, आमेन, आमेन, आमेन।